धीरेंद्र शास्त्री ने आखिर क्यों दिया इस आदमी को इतने सारे पैसे। दोस्तों, धीरेंद्र शास्त्री जो हमेशा अपने अद्भुत कर्मों की वजह से चर्चा का विषय बने रहते हैं, आज धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में लाखों लोग अपनी समस्या का समाधान के लिए आते हैं और इन लाखों लोगों में से बाबा किसी का भी अपने पर्चे पर समस्या लिख देते हैं और एक आदमी को कहते हैं कि इस भीड़ में से आप जिस व्यक्ति को भी लेकर आओगे ये पर्चा उसी का ही निकलेगा। और सच में पर्चे पर उसी व्यक्ति के बारे में लिखा होता है जिसे वो व्यक्ति लेकर आता है। इसी तरह जब धीरेंद्र शास्त्री बालाजी सरकार ने एक आदमी को बुलाकर उसकी समस्या पूछी तो उसने अपनी समस्या बताई, लेकिन उसमें भी वो आदमी थोड़ा सा झूठ बोल रहा था और ये धीरेंद्र शास्त्री जी को पता चल जाता है तो बाबा खुद ही उसकी सच्चाई बताने लग जाते हैं। दरअसल ये व्यक्ति अपने गांव में शिव जी का मंदिर बनवाना चाहता था, लेकिन गाँव का एक भी आदमी इनका साथ नहीं दे रहा था और उनका मजाक बना रहे थे और ना ही उनके पास इतने पैसे थे जिससे कि वो मंदिर बनवा सके। इसी वजह से गुरु जी ने लोगों से दान के रूप में पैसे इकट्ठे करके उस व्यक्ति को दे दिए। हालांकि ये पैसे पूरे कितने थे ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ बाबा ने ये बताया कि इन पैसों से मंदिर का आधा काम जरूर हो पाएगा और उसके आगे का काम बाद में देखा जाएगा। आपको ये बात तो सोचने पर मजबूर कर देगी कि बाबा ने खुद ही लोगों को अपने पास बुलाकर दक्षिणा लिया। उनके बारे में बाबा को पहले से ही पता था कि किसके पास कितना पैसा है और इनसे दक्षिणा लेना सही रहेगा। वैसे दोस्तों, धीरेंद्र शास्त्री जी के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।